सोलन पुलिस का एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है शहर से नशे को जड़ से खत्म करना। नशे को खत्म करने के लिए सोलन पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत सोलन पुलिस ने जिला के चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया है। इन गुप्तचरों और स्थानीय युवाओं के सहयोग से आए दिन पुलिस जाल बिछाती है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए नशा तस्करों के गिरेबान तक पहुंच जाती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती है। आज भी पुलिस ने एक विदेशी तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 15.72 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सोलन पुलिस नशे को जड़ से खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके तहत वे एक वर्ष में करीबन 5 विदेशी नशा तस्करों को पकड़ चुकी है। वहीं पुलिस ने एक विदेशी तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 15.72 ग्राम हेरोइन बरामद की है। उन्होंने कहा कि आज विदेशी नाइजीरियन अपराधी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। शिक्षा के हब के नाम से जाने जाने वाला सोलन चिट्टे का हब बन चुका था, लेकिन सोलन पुलिस की मुस्तैदी और उनके फैलाए जाल से रोज चिट्टा तस्करों और नशे का सेवन करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लगातार नशा तस्करों पर कसी जा रही नसेल से नशा तस्कर बौखला चुके हैं और यही वजह है कि नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। आज भी पुलिस ने दो राजगढ़ के युवकों राहुल और आदर्श को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। और ये नशा कहां से लाते हैं और किसे बेचते हैं, इस बात की गहनता से छानबीन की जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि उनकी मुहिम नशे को सोलन से खत्म करने की है। इस अभियान के तहत वे नशे के कालो कारोबार करने वालों पर तो नजर रखे हुए हैं, साथ ही उन युवकों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा रही है जो नशे का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा दो युवाओं को पकड़ा गया है, जिनके पास से 7.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। ये सोलन में किराए का कमरा लेकर सोलन में रह रहे थे। आज इन युवकों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने गृह विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सत्ती ने फिर एक बार कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों से पैसे तो ले सकती है, लेकिन उन व्यापारियों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। सती ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा व्यापारियों के सवालों का जवाब नहीं देने वाले बयान पर कांग्रेस से रिलायंस और अनिल अंबानी के सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के व्यापारियों की हेलीकॉप्टर में सवारी करने पर भी तंज कसा। सती ने कांग्रेस द्वारा फोन टैपिंग के आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी द्वारा भी ऐसी बातें उठाए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को सरल इंसान बताते हुए उनसे कांग्रेस की झूठ की संस्कृति को नहीं अपनाने की बात कही। राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अनिल अंबानी को घेरे जाने के बाद सियासत और गर्म हो गई है। अभी तक राजनीतिक दलों के बीच जारी इस जुबानी जंग में अब रिलायंस ग्रुप भी कूद पड़ा है। दरअसल इस ग्रुप ने एक ट्वीट कर यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भी उनके ग्रुप यानी अनिल अंबानी को 1,00,000 करोड़ को ठेके मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा था, जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस ने अनिल अंबानी को व्यापारी बताते हुए कांग्रेस के राजनीतिक दल होने का हवाला दिया था और व्यापारियों की बातों का जवाब नहीं देने की बात कही थी। फिर क्या था, कांग्रेस का ये बयान आते ही हिमाचल बीजेपी पहले से कहीं अधिक हमलावर हो गई। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष पाल सिंह सत्ती ने इस पर प्रहार करते हुए ये कह डाला कि कांग्रेस व्यापारियों से पैसे तो ले सकती है, लेकिन उन व्यापारियों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने कांग्रेस से रिलायंस ग्रुप या अनिल अंबानी के सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। सत्ती ने व्यापारियों के हेलीकॉप्टर होने और उनमें
कांग्रेस नेताओं के सवारी करने पर भी तंज कसा।